प्राइस है अराउंड 6 लाख के आसपास, 5 to 6। इसकी प्राइस अराउंड आपकी होगी, मैं करेक्ट प्राइस नहीं बता सकता, मैं आपको एक एस्टिमेट बता दे रहा हूँ। हाँ। ये आपकी होगी अराउंड 2 लाख के आसपास, 220। प्राइस इसका 4.5 लाख बोल रहे हैं हम लोग, 4 लाख 50 3 लाख रुपीस। और इसकी हम आस्किंग प्राइस कर रहे हैं 4 लाख 75,000। इसकी प्राइस हम रखे हैं 1 लाख। आस्किंग प्राइस है 3 लाख 75,000। इसकी आस्किंग प्राइस है 4 लाख। प्राइस हम 1 लाख 50,000 रखे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांश में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आ गए हैं राजी मोटर्स करके है सेक्टर 6 D मार्केट। यहाँ का कलेक्शन बहुत कारे हैं और यहाँ अभी सुबह टाइम है, मॉर्निंग टाइम में, तो यहाँ और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है। तो यहाँ का अच्छा खासा आप रिस्पॉन्स देना, शेयर करना वीडियो। देखते हैं यहाँ किस प्राइस में है, फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं, और अदर स्टेट में फाइनेंस हो पाएगा कि नहीं। तो पूरा डिटेल्स स्टार्ट से देखते हैं और भैया के थ्रू पूरा कौन सा मॉडल है, प्राइस है, कितना चला हुआ है, कौन सी कार है, पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। तो एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी नंबर है चित्रांश 12345। और फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ आप जाइए, ब्लॉग चित्रांश करके सर्च कीजिए, वहाँ भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें भी ब्लॉग चित्रांश करके रहने वाला है, तो चैनल का नाम, तो उसमें जाके भी आप फॉलो कर लेना। अभी आईडी वो भी ऑन होने वाला है, तो भैया के थ्रू पूरा डिटेल्स लेने वाले हैं। चलो स्टार्ट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर। आपका नाम क्या है? रजत चौधरी। रजत चौधरी। ये शॉप कब से? ये शॉप हमें हो गई अराउंड 5 to 8 years, मोर देन 8 years। और ये लैंडमार्क जिसको लेना होगा जी, ये आपको पड़ेगा सेक्टर 10 ग्लोब चौक और महाराणा प्रताप चौक के बीच की जो रोड है, वहाँ पे कॉल सेक्टर 6 D मार्केट। ये रेलवे स्टेशन से कितना दूर है? रेलवे स्टेशन से अराउंड 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सा है कलेक्शन? अभी हमारे पास कार की कलेक्शन थोड़ी कम है, काफी कारें आ रही है जैसे आप यहाँ देख नहीं सकते हैं। हाँ। हमारे पास स्कॉर्पियो है, i20 है, सेलेरियो है, सेडान गाड़ियों में होंडा सिटी है, एक्सयूवी, क्रेटा, जो आप बोले वो सारी मिल जाएगी। और यहाँ फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस की सुविधा है, बिल्कुल। और जैसे कोई अदर स्टेट से लेना चाहे तो? अदर स्टेट से भी ले सकते हैं, हम उसको ट्रांसफर करा के देंगे पेपर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई स्टार्टिंग, जैसे कोई फाइनेंस कराना चाहता है तो स्टार्ट में कितना देना पड़ेगा? स्टार्ट में जैसे की मान लीजिए अराउंड 4 लाख to 5 लाख की गाड़ी है, तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। जितने कम का प्राइस रहेगा उतना कम। हाँ, उसकी हाफ अराउंड 40% to 50% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी की वैल्यू फाइनेंस हो जाती है। ऐसा है। स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो का। ये कौन सी मॉडल होगी? ये है 2016 मॉडल। 2016 जी हाँ। इसकी प्राइस है अराउंड 6 लाख के आसपास, 5 to 6। ऑनर फर्स्ट हो गई? ऑनर फर्स्ट ऑनर। रनिंग कितना हुआ? रनिंग वही अराउंड 60 to 65,000 किलोमीटर चली है। अच्छा। और ये पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग जी, ये गाड़ी है पासिंग हमारी 08 नांदगांव पासिंग, राजनंदगांव पासिंग जी हाँ। अच्छा अच्छा। और ये आने के बाद नेगोशिएबल है प्राइस में? बिल्कुल हाँ, नेगोशिएबल है। जो इसकी प्राइस रहती है, जो कस्टमर्स बोलते हैं वो, और बाकी जो भी नेगोशिएशन है वो ऑन टेबल होती है। अच्छा, ऑन टेबल होगा। हाँ जी। अच्छा, बाकी टायर्स वगैरह तो पीछे का थोड़ा डाउन है, सामने की नहीं है। थोड़ी बहुत खामियां सब गाड़ियों में रहती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जितने वैल्यूएबल कस्टमर्स रहते हैं उनको पूरी सेटिस्फेक्शन मिले, तो जो भी छोटा मोटा काम है वो सब हम करवा के कंप्लीट करके देते हैं। कंप्लीट करके देंगे। प्राइस क्या बताए थे? प्राइस अराउंड 6 लाख पड़ेगी। 6 लाख पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ये है इंडिगो CS जी हाँ। ये इंडिगो CS 2008 मॉडल है, तो गाड़ी थोड़ी पुरानी है, बट कस्टमर्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हमें सबके हिसाब से गाड़ी रखनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। कितना रनिंग हुआ इसका? इसकी रनिंग होगी अराउंड 80,000 करीबन। 80,000 हाँ। अच्छा। और ये कहाँ का है? पासिंग हो गया, लोकल 07 भिलाई की गाड़ी है। अच्छा अच्छा। और इसका प्राइस क्या है? इसकी प्राइस अराउंड आपकी होगी, मैं करेक्ट प्राइस नहीं बता सकता, मैं आपको एक एस्टिमेट बता दे रहा हूँ। ये आपकी होगी अराउंड 2 लाख के आसपास, 220 तक। अच्छा, 2 लाख 20,000। उसमें भी मतलब अभी फिक्स नहीं है। और आपका एक बार नंबर बता दीजिए जी हाँ। हमारा नंबर है 9752159226। राजी मोटर्स है शॉप का नाम, RAJIMOTORS। अच्छा। और ये ऑनर कौन सा होगा? ऑनर ये होगा सेकंड ऑनर, डीजल वेरिएंट में। डीजल वेरिएंट है ना। इसके बाद देखते हैं सेलेरियो, मारुति सुजुकी का। ये कौन सी मॉडल है भैया? जी, ये है 2018 की मॉडल। हाँ, ये 2018 की है, 04 है, रायपुर पासिंग है, छत्तीसगढ़ की ही है। टॉप मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट। हाँ जी। ऑनर कौन सा है? ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी, रायपुर पासिंग बताया। रनिंग कितना है? रनिंग इसकी अराउंड होगी 50,000 चली हुई। 50,000। प्राइस इसका फिक्स? प्राइस इसका 4.5 लाख बोल रहे हैं हम लोग, 4,50,000 रूपए। हाँ। बाकी जो भी है नेगोशिएशन ऑन टेबल हो जाएगी। अच्छा, ऑन टेबल हो जाएगा। इसमें टायर्स वगैरह देखना नहीं पड़ेगा? टायर्स वगैरह सारे अच्छे हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सिस्टम सभी ऑन है, अंदर में सब ऑन है, मतलब जो आएगा लेकर जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, सब रेडी है, सही आ रहा है। इसके बाद देखते हैं i20। ये है मैग्ना है ना? जी हाँ, मैग्ना मॉडल है। हाँ। पेट्रोल है, 2012 मॉडल है। 12 मॉडल है। CG 17 है। हाँ। मुझे पता नहीं है CG 17 कहाँ पड़ता है। 17 ये आता है आपका कांकेर साइड का, कांकेर जगदलपुर साइड का। क्योंकि क्या है, गाड़ियाँ हमारी नहीं रहती है। हाँ। गाड़ियाँ कस्टमर्स की रहती है, वो सेल करते हैं। हाँ। और हम उन्हें सेल करने में हेल्प करते हैं, तो उसका हम कमीशन लेते हैं। ये कौन सा ओनर है? ये है फर्स्ट ओनर है, ये भी फर्स्ट ओनर है। रनिंग कितना हुआ है? रनिंग इसकी चली है अराउंड 68,000 किलोमीटर। 68,000। अच्छा, पासिंग तो बता दिए, बाकी अंदर पूरा ओके है? अंदर बहुत ओके है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है पर्सनल यूज के लिए, सिस्टम विस्टम सब लगा हुआ है। इसका प्राइस क्या रखे? इसका प्राइस हमने रखे 3 लाख रुपीज। 3 लाख। जी हाँ। मॉडल कौन सा बताते हैं? 2012 का है। बाकी तो ओके है लगभग, टायर्स देखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे अपन अल्टो का VXI। जी हाँ, ऑल्टो VXI है, 2014 मॉडल, K10 वेरिएंट है। हाँ। इंजन जो इसका आता है वो मारुति सुजुकी की है। हाँ। और ये भी फर्स्ट ऑनर है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है। हाँ। और इसकी हम आस्किंग प्राइस कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए। ऑनर कौन सा? फर्स्ट ऑनर है। रनिंग? रनिंग इसकी है 63,000। 63,000। पासिंग तो रायपुर हो गया। जी हाँ, 04। बाकी ओके है। टॉप सेकंड मॉडल है, बहुत ही वेल कंडीशन में है गाड़ी। अच्छा अच्छा, इसका प्राइस नेगोशिएबल है? ये भी बिल्कुल नेगोशिएबल है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को वो जो डिमांड करे उस प्राइस। इसका क्या बताया प्राइस? 2.5 लाख। 2.5 लाख, 2,50,000। अच्छा, इसके बाद देखते हैं डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। ये कौन सी मॉडल? ये 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल। जी हाँ, ये डीजल वेरिएंट है। अच्छा। पासिंग इसकी 04 है। हाँ हाँ, जो कि रायपुर पासिंग रहती है। हाँ हाँ। और ये गाड़ी हम 4,75,000 आस्किंग प्राइस है। अच्छा, 4। ऑनर कौन सा होगा? ये होगा फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट ऑनर। हाँ जी। पासिंग रायपुर। जी हाँ। कितना चला ये? ये चली होगी 70-75,000 चली। 70,000। डीजल वेरिएंट है? डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट है ना। और जैसे इस कस्टमर्स के डिमांड के हिसाब से और कार मिल जाता है? बिल्कुल, जो आप डिमांड करेंगे सारी मिल जाएगी। अच्छा। गाड़ियाँ अभी खड़ी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, शॉप अभी ओपन हुई है, गाड़ियाँ आ रही है। थोड़ी देर बाद आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। अच्छा। जिसको जैसी गाड़ी अपने यूसेज के हिसाब से, मॉडल पसंद के हिसाब से चाहिए, सारी अवेलेबल कर। सारी अवेलेबल है। इसका प्राइस क्या बताया आप लास्ट? 4,75,000। 4,75,000। इसके बाद देखते हैं ओमनी, जो इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है मार्केट में, जैसे किसी को काम वगैरह के लिए ज्यादा यूज करते हैं। ये कौन सी मॉडल है अभी? ओमनी है आपकी 2005 मॉडल है ये। अच्छा। ये बहुत ही लो बजट गाड़ी है, मतलब आपको काफी चीप प्राइस में मिल जाएगी। हाँ। हमारे पास और ऊपर मॉडल भी है। हाँ। 2013 तो 2014 की मॉडल भी है। अच्छा, वो भी है। जी हाँ, इसकी प्राइस हम रखे हैं 1 लाख रुपीज। 1 लाख। कितना चल गया होगा ये? अराउंड मुझे किलोमीटर्स इसके पता नहीं है। अच्छा, इसके पता नहीं। ऑनर कौन सा होगा? ऑनर ये होगा सेकंड ऑनर। सेकंड ऑनर। रनिंग कितना होगा? अच्छा, नहीं पता बोले ना, लोकल दूर का पासिंग है। बिल्कुल यहीं की गाड़ी है। टायर्स वगैरह भी पूरे ओके हैं, टायर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, काफी वेल कंडीशन में है गाड़ी। 1 लाख में नेगोशिएबल है? इसमें भी वो ऑन टेबल ही होता है जो होता है। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद और कौन सी कार है अपने पास? हमारे पास अभी फिलहाल होंडा सिटी है। ये i20 है, 2014 मॉडल, पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट। जी हाँ। ऑनर कौन सा होगा? ऑनर है ये, सेकंड ऑनर गाड़ी है। सेकंड ऑनर। हाँ जी। रनिंग कितना हुआ इसका? किलोमीटर चली है 49,000। 49,000। इसका क्या है प्राइस? इसका प्राइस आस्किंग प्राइस है 3,75,000। अच्छा। और आने के बाद जो है? हाँ जी, उसके बाद बाकी सब ऑन टेबल होगा। अच्छा। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, टायर सब अच्छे हैं, अंदर साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। और वेल मेंटेन गाड़ी है, सीट कवर वगैरह सब लगी हुई है, सब जो है ओरिजिनल लगा हुआ है। जी हाँ। अच्छा, और जो नहीं लगे रहता है वो लगा के आप कवर्स वगैरह जो है वो आफ्टर मार्केट है। अच्छा। अगर अच्छी नहीं रहती है तो हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं। बाकी सब एसी वगैरह सभी ऑन है, एसी वगैरह सभी गाड़ियों के ऑन है। हाँ जी, सब वेल ओके है, किसी में कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा। ये ऑन कहाँ का होगा पासिंग? ये 04 है, रायपुर का पासिंग है। इसके बाद कौन सी कार है आपके पास? इसके पास हमारे पास i20 है, एक और छोटी मॉडल में होंडा सिटी है, सेंट्रो है, स्कॉर्पियो है, क्रेटा है, इनोवा क्रेस्टा है, अच्छा क्रेटा है आपके पास? जी हाँ, क्रेटा। कौन सी मॉडल होगी वो? हमारे पास 2016 मॉडल की क्रेटा है। हाँ। उसकी आस्किंग प्राइस है 8 लाख रुपीस। 8 लाख? हाँ जी, 2016 की मॉडल है। हाँ। डीजल वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। अच्छा टॉप मॉडल। हाँ जी, और पासिंग लोकल है 07। अच्छा लोकल पासिंग में। हाँ जी, यहीं की गाड़ी है। अच्छा डिमांड के हिसाब से उनको कार भी मिल जाएगी? हाँ जी, हमारे पास बहुत सारी गाड़ी है। हाँ, जैसी डिमांड रहती है कस्टमर की हम उनको वैसी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। तो चलो आप होंडा सिटी देखते हैं भैया। ये वाला होंडा सिटी, ये है 2012 मॉडल। हाँ। CG13 है। हाँ। रायगढ़ पासिंग गाड़ी है। हाँ। फर्स्ट ऑनर है। हाँ। 2012 मॉडल की है और हाँ। पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल में टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल। हाँ जी। अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे? अंदर फीचर्स इसमें कंसोल दिए हैं, साउंड सिस्टम लगा हुआ है पूरा JBL का। हाँ। प्लस सीट कवर्स लगे हुए हैं। हाँ। और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बाकी सब चीजें होंडा खुद से प्रोवाइड करती है। अच्छा अच्छा। और इसका प्राइस क्या लास्ट? इसकी आस्किंग प्राइस है 4 लाख। हाँ जी, बाकी जो भी नेगोशिएशन है वो ऑन टेबल है। बाकी कंडीशंस ओके है लगभग? कंडीशन बहुत अच्छी है, 63,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा अच्छा, क्या पर्सनली यूज कर रहे हो क्या अभी? नहीं, पर्सनली हमारे पास और गाड़ियां हैं। अच्छा। ये फिलहाल सेलिंग के लिए है। हाँ। पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सेंट्रो का। ये सेंट्रो भी है जिंग? जी हाँ, ये सेंट्रो है 2004 मॉडल की। अच्छा, पुरानी है गाड़ी, उस हिसाब से बहुत ही वेल यूज्ड है। हाँ। डॉक्टर साहब की गाड़ी है ये। अच्छा डॉक्टर की। हाँ जी, डॉक्टर की गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर है। हाँ। रायपुर पासिंग है 04। हाँ। पेट्रोल वेरिएंट है और किलोमीटर्स अराउंड 70,000 प्लस से लिए। 70,000 प्लस से लगा। हाँ जी। प्राइस क्या इसका? इसकी आस्किंग प्राइस हम 1,50,000 रखे हैं, बाकी जो भी ऑन टेबल होगा। अच्छा, आने के बाद जो भी है बैठेंगे कस्टमर उसके बाद हो जाएगा। बाकी इसका कंडीशन पूरा ओके है? कंडीशन बहुत अच्छे हैं, अंदर के फीचर्स सारे ओके हैं। अंदर से इसमें उतने फीचर्स नहीं है, पावर विंडो वगैरह सब कुछ लगे हुए, AC है। हाँ। पावर स्टीयरिंग है। हाँ। अच्छी गाड़ी है, वेल यूज्ड है, स्पीकर्स वगैरह इसमें भी हैं दिए हुए। अच्छा अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और ये बोलना चाहेंगे हम कि गाड़ियाँ हमारे पास सारी मिल जाएगी, जैसे कस्टमर्स की डिमांड रहती है वैसी सारी गाड़ियाँ हमारे पास मिल जाएंगी। और गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहती है, तो आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम हमारे शॉप के लिए। तो भैया ने जैसे बताया पूरा डिटेल्स, और साथ ही ये राजी मोटर्स करके आप बोर्ड देख लेना है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का मिल जाएगा। भैया ने वीडियो में भी बता दिया है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके आ सकते हैं। मैं भी ओनर हूँ, आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा ID नंबर है चित्रांश 12345। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।